जय जयकार। बाहर काढून घ्यायची आहे। कोणीही त्या ठिकाणी खोळंबी नाणार नाही। रेस्टोरंट पार्किंग। तो गाइस ये देखिए, विसर्जन के बाद जो सफाई कर्मचारी है उन्होंने इतने सारे गणपति की मूर्तियां जो है वो इकट्ठा किए हैं। और ये हे गाइस, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे। एक और ब्लॉग में वापस आप सबका स्वागत है। और अभी मैं आ चुका हूँ जुहू आप सबको गणपति विसर्जन दिखाने के लिए, क्योंकि आज जो है वो पांचवे दिन का जो गणपति है उनका विसर्जन है। तो वो देखने के लिए आज सर लोकल हो जहाँ से लोकल नहीं नहीं बोलिए ना क्या हुआ। यहाँ खाने के लिए लोकल स्ट्रीट फूड कहाँ से मिलेगा? लोकल स्ट्रीट फूड आपको आगे से लेफ्ट साइड में वहाँ पे बहुत सारे हैं, वो मिल जाएगा आपको सर। मतलब ओपन जाइए स्ट्रीट फूड हम जो मुंबई का है। हाँ हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा आपको। कितनी दूर है? ये सामने लिखा हुआ है ना रमाडा, उसी के नीचे आपको मिल जाएंगे सारे, वहाँ पे स्टॉल मिल जाएंगे आपको। थैंक यू, वेलकम सर। तो गाइस अभी मैं आपको जुहू में जो विसर्जन हो रहे हैं, आज से पांचवें गणपति का विसर्जन है, वो दिखाने के लिए आपको आ चुका हूं मैं जुहू चौपाटी। तो चलिए हमारे साथ कंटिन्यू, देखते हैं कि किस तरीके से यहां पे विसर्जन का कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। तो देखिए गाइस, हम यहां पे आ चुके हैं और अभी अंदर लेकर चलता हूँ मैं आपको, किस तरीके से यहाँ पे विसर्जन हो रही है वो चीज़ें मैं दिखाता हूँ और एक्सप्लोर करता हूँ। तो चलिए हमारे साथ आप कंटिन्यू ब्लॉग में जो है वो बने रहिए। देखिए व्यवस्था यहाँ पे काफ़ी अच्छा किया गया है, जो गवर्नमेंट की तरफ से लोग हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं और पिछले साल से अच्छा व्यवस्था किया गया, आप देख सकते हो। यहाँ पे भी जो गाड़ियाँ गणपति लेकर आते हैं, देखिए सामने जो है वो कुछ इस तरीके का नज़ारा है। और यहाँ पे देखिए गणपति जी का जो है वो आखिरी पूजा की जा रही है, आरती की जा रही है, कुछ इस तरीके का माहौल बना हुआ है यहाँ पे जुहू चौपाटी पे। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, जो रेती है उसके ऊपर जो है वो लोहे का पतरा लगाया गया है, ताकि जितने भी व्हीकल इस जगह पे आए वो रेती में फंसे नहीं, किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ पे कंटिन्यू जो है वो गणपति आ रहे हैं, ये सारे जो ट्रक आपको दिख रहा है मिनी ट्रक, इसमें गणपति आ रहे हैं और कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है वो पूजा की जा रही है, आप देख सकते हो। हालांकि बारिश कंटिन्यू हो रहा है और साथ में जो गणेश भक्तगण है वो आखिरी विदाई देने में लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। तो गाइस ये जो नज़ारा आप देख रहे हो ये जुहू बीच का नज़ारा है और आज जो है वो पांचवें गणपति का विसर्जन है। जितने भी गणपति जी आए थे उनका 5 दिन कंप्लीट हो चुका है और जिन क्या है कि यहाँ पे लोग जो है वो गणपति की मन्नतें रखते हैं, कोई 1.5 दिन का रखता है, कोई 3 दिन का रखता है, कोई 5 दिन का रखता है। ये साइड में भी देखिए आप, इनका भी जो है वो विसर्जन का जो कार्यक्रम है वो चालू है, यहाँ पे आरती वगैरह की जा रही है। ये देखिए बारिश है और बारिश में क्या लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है वो आरती कर रहे हैं, सारे लोग प्लास्टिक के अंदर हैं और पप्पा को अभी भी जो है वो बचा के रखे जा रहे हैं ताकि अच्छे तरीके से जो आरती का कार्यक्रम है वो पूरा किया जाए। तो गाइस कुछ इस तरीके का माहौल यहाँ पे बना हुआ है और ये देखिए पीछे काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड एरिया है यहाँ पे भी, बट सिस्टम बहुत अच्छा लगा मुझे जो गवर्नमेंट ने इस बार सिस्टम रखा है, बहुत ही प्यारा रखा है, एक सिस्टम में जो है कार्यक्रम वो किया जा रहा है। चलिए मैं अंदर आपको दिखाता हूँ। Oh
गाइज इस बार की बात करें गणपति विसर्जन में जुहू बीच के, तो यहाँ पे तो बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। आपने ब्लॉग में देखे ही कि कितना अच्छा व्यवस्था किया गया है इस जगह पे। तो महाराष्ट्र सरकार को सैल्यूट है कि उन्होंने इतना अच्छा व्यवस्था रखा है इस गणपति विसर्जन में। जो सिस्टम बोलते हैं ना, वो सिस्टम में यहाँ पे काम किया जा रहा है। देखिए क्राउडेड कितना यहाँ पे आ चुका है, बट इसका जो सिस्टम बनाया गया है ना, लोग फॉलो भी कर रहे हैं। इस साइड में भी देखिए जो स्टॉल है वहाँ पे लोग गणपति जी का जो मूर्ति है उनको रख कर आरती कर रहे हैं, आखिरी पूजा कर रहे हैं। और ये सामने जो आपको दिख रहा है वहाँ से जो है वो पूरे बीचेस पे निगरानी रखी जा रही है प्रशासन के द्वारा। और ये नीचे आप पूरा एरिया देख रहे हो, यहाँ पे गणपति जी का आखिरी जो आरती है, आखिरी विदाई दी जा रही है। और सामने जो समुंदर आपको दिख रहा है उसमें विसर्जन का प्रक्रिया जो है वो चल रहा है, जो विसर्जन की कार्यक्रम है वो कंटिन्यू चल रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल बीच के नज़दीक में वहाँ पे किस तरीके से विसर्जन का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे आरती हो रही है, लास्ट आरती। ये देखिए बप्पा, तो कुछ ऐसा माहौल यहाँ पे बना हुआ है। बहुत ज़्यादा पब्लिक आ चुकी है इस जगह पे। हालांकि आज पांचवा गणपति विसर्जन चल रहा है, जो 5 दिन का गणपति है उनका विसर्जन चल रहा है। Thank you.
खाली काढून झाले असेल तर त्यांचे वाहन बाहेर घेऊन जावे. कोणी वाहन पार करणार नाही. तो गाइस यहाँ पे जो है वो कंटिन्यू विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है और ये देखिए सामने एक मूर्ति जा रही है विसर्जन के लिए. देखिए पब्लिक जो है वो समुंदर के कितना अंदर चली गई है और यहाँ पे लोग जाकर विसर्जन किए जा रहे हैं. तो कुछ ऐसा सीन बना हुआ है जुहू चौपाटी पे और अच्छा भी लग रहा है कि विसर्जन में कुछ इस तरीके का माहौल है. और बुरा इसलिए लग रहा है कि आज गणपति जी जा रहे हैं हम सबों के बीच से, वापस आएंगे नेक्स्ट ईयर. देखिए कितनी बड़ी सी मूर्ति जा रही है विसर्जन के लिए. ये देखिएगा आरती करण्यासाठी गणपती बाप्पांची आरती करण्यासाठी वाहन पार करून रेंगाळत राहू नये आपल्याप्रमाणे. तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं. आई होप आप सभी को काफी अच्छा लगा होगा ये ब्लॉग. मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग में जल्द ही. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही जिंदगी जीते रहिए.